लोग की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो ये इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूँ चाय मालिक और आप देख रहे हैं आज के ब्लॉग। तो अभी फिलहाल इस साइड में बहुत ज़्यादा पानी लग गया है, जा रहे हो कुछ सामान खरीदने के लिए। अभी जो अरमान है यहाँ पे इस साइड पे रुका, उसको फैन खरीदना था तो इसलिए वो हम लोग यहाँ पे रुके हैं। लेकिन अभी इस साइड से सोच रहे, इस साइड से पानी जो है वो भरा पड़ा हुआ है, और इस साइड से हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे करके वहाँ चीनी मिल है, चीनी मिल के होते हुए उस साइड से हम लोग को दरभंगा जाना है आज, तो सोच रहे हैं इस साइड से जाने के लिए। लेकिन अभी साइड पानी भरा है तो अभी यहाँ पर हम लोग सामान खरीदते हैं, उसका सोचते हैं कि किस साइड से जाने का। अभी कौन सा क्या सब कुछ तो इसमें लगा हुआ है। हाँ तो सब कुछ, अरे यार तो सब कुछ रहेगा ना उसमें। पीछे आगे लगा नहीं, आगे लेके जा, आगे लेके जा। अपने आप ऑटोमेटिक कम कैसे होगा भाई? लोग की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो ये इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो एक साथ चले जा रहे भाई, मुझे देखिए हॉर्न दे, हॉर्न दे। ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता है। तो हम लोग फाइनली दरभंगा पहुंच गए, यहाँ से हम लोग को लहरिया से यूनिवर्सिटी जाने का है, ब्रिज क्रॉस करके इस साइड से इधर जाने का। फिलहाल अब लोग म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं, इस साइड पे म्यूजियम है, दरभंगा म्यूजियम जो है वो इस साइड पे है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखे वीडियो बनाए तो देंगे नहीं, लेकिन इनकेस अगर हम लोग को मौका मिला तो हम लोग जरूर वीडियो बना के आप लोग को दिखाएंगे। और मैं लास्ट टाइम पे गया था तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी जाके देखना पड़ेगा कि है क्या। लास्ट टाइम पे गया तो फिर 4 से 5 रूम में ही था, यहाँ पे रूम वाइज बनाया गया है, पूरा हॉल नहीं है, यहाँ रूम वाइज ही बनाया गया। तो जाकर देखते हैं कि अभी यहाँ पे और क्या क्या चीज़ न्यू आया। अभी इसलिए अंदर में गए थे तो वहाँ सब जगह काम चल रहा था, 2 ही 3 जगह पे आपको एक गन था, तलवार था, और कुछ कपड़े रखे हुए थे वहाँ पे जो बहुत पुराने ज़माने का, और कुछ पॉट्स थे जो बहुत पुराने, जब 20वीं सदी के थे। पीछे आया हो तो यहाँ सब ये सब मूर्ति बनी हुई है पूरी, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। उसके बाद आप हम लोग जा रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी यहाँ से। एक्चुअली ये मूर्ति है और वहाँ जो है वो हल चलाती हुई मूर्ति है, तो ये सब जो है मूर्ति ऋषिकेश है, वहाँ उस साइड पे मूर्ति है, मूर्ति यहाँ पे भी है जो राम की बनी हुई, राम लक्ष्मण और गुरु नानक जो भी है सब यहाँ पे है। और इस साइड पे ये राजा कमरेश्वर ठाकुर फिरोज जी का जो ये है, उस समय बहुत ज़्यादा राजों का राज था, तो उस टाइम की ये उस टाइम की मूर्ति है ये। और एक इस साइड भी है ये सर, तो इस साइड का जो भी है वो पूरा कैप्चर कर लिया। आगे जो है वो काम चल रहा है, तो इसके लिए अभी जो है पूरा कैप्चर नहीं किया हम लोग, इनकेस अगर बाद में आते हैं तो इधर का पूरा कैप्चर कर लेंगे। और अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी मिथिला यूनिवर्सिटी डायरेक्ट चलते हैं। क्या बोलते हैं अरमान? अभी चलते हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी, यहाँ से यूनिवर्सिटी चलते हैं, उसके बाद DMCA चलेंगे, DMCA एंड उसके बाद लहरी शहर ड्राइवर। तो ऐसे जो हम अपना आज का जो पूरा पूरा दरभंगा जो है, तो गर्मी है ऊपर से इसी तरह से दिमाग खराब हो रहा है पूरा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, पूरा खेल वेल रखे हुए हैं और दिमाग खराब हो रहा है पूरा। मुझे लगता है कि अभी कहीं पर जाकर थोड़ा ठंडे में आराम करना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल हम DMCA हॉस्पिटल जो वहाँ पहुँच गए, और अरमान को कुछ काम था तो मैंने सोचा कि चलो साथ में काम करते ही निकल जाएंगे। लाइन लगाने जा रहा है अभी कूपन लेने का, कूपन लेने का, तो जाके जल्दी कूपन ले लें, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ।
काउंटर ऐसा है या कुछ, और अंदर का कुछ ऐसा है। यूट्यूब चैनल धूप में पूरा फेस लाल हो गया है ऐसा देख। अब कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन से फ्लोर पे जाना है देखना, कूपन होगा ना देखना उसमें फ्लोर क्या होगा, फ्लोर होगा ना उसमें। एक मिनट, वन नंबर रूम नंबर वन, रूम नंबर वन में जाना है। फिर है भाई वन में जाना है भाई, वन है उस स्लैश। अबे ये ऑब्लिक है देख, वन ऑब्लिक है तो वन में जाना है। मेडिसिन जो इतनी बदबू आती है ना यहाँ पर, और सर दर्द देने लगा है, उसके लिए मास्क लगाना ज़रूरी है। और ऐसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो मास्क लगाना तो कंपलसरी हो गया है। अब जो तारों के शहर में आ गए भाई, भाई अगर एक भी वायर कट है बरसात में तो सबकी लग जाएगी। देखो कितना वायर है, वायर का मजा से बना है। वायर कितना है देख, यहाँ देख कितना भरा पड़ा वायर है देख। इसे बोलते हैं बिहार, बिहार का असली मजा इधर ही है। इससे भी ज़्यादा रहता था। यहाँ पे आपको एक नहीं दो नहीं तीन चार चार जो है गेट है। मैं जो बीच वाले गेट से जा रहा हूँ भी, एक उस साइड पे भी गेट है, एक उस साइड पे गेट है, एक पीछे गेट है। तो ये फिलहाल मैं बीच वाले गेट से जा रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे कॉमन देखा है वो है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने कॉमन देखा है वो है फिश का लोगो है। आपको हर एक गेट पे फिश का लोगो मिल जाएगा, गेट पे ये जो गेट है यहाँ, आपको वहाँ हर एक गेट पे आपको ना फिश का लोगो मिल जाता है। ये गेट है और इससे बड़ा गेट इस साइड पे है, मैं आपको बैक कैमरे से पूरा दिखा देता हूँ। और ये जो पूरा बाउंड्रीज है, पूरा चारों बगल बाउंड्रीज है, और ये सब जो घर है ये सब बाद में बना है, अब न्यू घर बना है इस साइड पे। काफ़ी समय हो गया ये जो किला है यूनिवर्सिटी में तब्दील होने में। अभी मैं आपको पूरे बैक कैमरे से दिखाता हूँ जितना भी है। वहाँ से जो है पूरा साइड से बाउंड्रीज है, ये पूरा बाउंड्रीज है, ये आपको गेट देखने को मिल जाएगा, इस साइड का गेट है। और जैसे करके आपको पूरा एक बाउंड्रीज मिलेगा अंदर तक, वहाँ तक बाउंड्रीज है, ये पूरा बाउंड्रीज है। यहाँ से आपको बैक कैमरे से ये पूरा, ये जो आ गया इसको ऐसे पूरा दिख नहीं रहा है, दिखाता हूँ। बाउंड्रीज उस साइड से गया हुआ है। यहाँ पे मैं भी खड़ा हुआ, एक पुल है, एक नहर टाइप बना है बीच में, बीच से रास्ता गया हुआ है। ये देखिए पुल पूरा नहर है, और इस साइड पे भी नहर है। और अंदर आने के बाद इस तरह से दिखता है, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये पूरा दीवार है, यहाँ पे भी आपको फिश का लोगो मिल जाएगा। इस साइड पे वाइट फिश है, इस साइड पे वाइट फिश है पूरा। और ऐसे करके पूरा दीवार गया हुआ अंदर, यहाँ ऐसे करके पूरा दीवार अंदर। यहाँ से जो राजा का पूरा हिस्ट्री देखा था, तो आई थिंक यहाँ पे खबरुआ मस्जिद भी है। जो जगरवा मस्जिद इसलिए फेमस है कि जब वो राजा बाउंड्रीज ले रहे थे तो बहुत मुसलमानों ने वहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट किया था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था वो मस्जिद के लिए, तो इसलिए उसका नाम तो झगरवा मस्जिद रखा गया। वो इसी साइड पे हुआ कहीं पे, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे किसी से इन्फॉर्मेशन लेना होगा। आई थिंक अगर किसी के पास होगा इन्फॉर्मेशन तो पता करते हैं। तो पता नहीं था कि झगरवा मस्जिद है कहाँ पे, तो मैंने एक दो दोस्त से पूछा तो वो बताया कि वो जो है दरभंगा टावर है उसके पास है, और काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिर हम लोग उधर से अभी आए, तो फिर उधर जाए तो बहुत काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए पूरा अंदर का पहले शूट कर लेते पूरा। दूर से बहुत प्यारा दिख रहा है ना, अंदर से आप लोग चलते हैं करीब से। यहाँ एक इस साइड पे गुंबद, लाल किला में छोटा छोटा गुंबद है ना, यहाँ भी वैसे ही गुंबद है। अरे यहाँ से पूरा दिख नहीं रहा, चलना अंदर से ले लेते।
तो वैसे आज बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा पूरा दरभंगा घूम लिया हम लोग ने आज काम के लिए और ब्लॉगिंग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तक के लिए बाय।